बोर्ड कैंडिडेट 2022 क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ। दोस्तों यहाँ पे जितने भी CBSE और CISE के स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए दोस्तों मेगा न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट हाथ लग रही है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है CBSE ने आपके तीसरे चांस को ख़त्म कर दिया, यानी कि अपने तीसरे मौके को CBSE आपको नहीं देगी, वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराएगी। जी हाँ दोस्तों, CBSE ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और CBSE ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें उसने आपको तीसरा मौका देने से इनकार कर दिया है। यानी कि सिर्फ टर्म वन और टर्म टू के बेसिस पे ही अब आपको नंबर पॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा पेपर इंग्लिश का ख़राब हुआ है या हमारे इस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम आ गई, हमने कॉपी में लिखा नहीं है, ये भी छूट गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे तो कम से कम एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन तो होना चाहिए आपको नंबर प्रोवाइड करने का, कम से कम आप उसमें कुछ तो लिख के आइए। जब आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर किस बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। सेम सिचुएशन यही CISE के साथ भी लागू होती है। CISE पर कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड आ गए थे, हमने उनको छोड़ दिया है या तो हमारे क्वेश्चन पेपर लीव हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी को अधूरा छोड़ देंगे तो एग्जामिनर किस बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पे इस बार स्टेप मार्किंग देखने को मिल रही है, यानी कि अगर 6 स्टेप का क्वेश्चन है और आपने 4 या 5 स्टेप तो सॉल्व किया है तो आपको उसके नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग एक भी स्टेप तक नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको अपनी कॉपी को फिलअप करके आना है। मानता हूँ कई सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को काफ़ी कठिनाई महसूस हुई होगी, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लेकिन फिर भी जो आपके मेन एग्जामिनेशन थे वो तो किसी न किसी तरह से निपट गए हैं। लेकिन जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स एडिशनल एग्जामिनेशन बचे हुए हैं अब आपको उन पे जोर देना है। और उस पे क्या करने सा है आपको दोस्तों, उसमें आपको कॉपी को पूरा फिलअप करके आना है, क्योंकि दोस्तों कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं काउंसिल की तरफ से जिनके बारे में आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कई सारे बच्चे काफ़ी टेंशन में हैं बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को लेकर CBSE वाले, और CISE कई सारे बच्चे वेटेज को लेकर परेशान हैं कि वेटेज का क्या होगा, हमारे रिजल्ट का क्या होगा, जो हमने गलती से नंबर जैसे कोई नंबर गलत कर दिए हैं तो उनका क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारी चीज़ों को फ्रंट में रख के बात की गई है। पहली बात मैं आपको बता दूं, CISE के सिलेबस बहुत जल्द रिड्यूस होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस होने वाली हैं। CISE बहुत जल्द न्यू सिलेबस रिलीज करने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CBSE से भी कई सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं आपके बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को लेके। दोस्तों यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको तीसरा मौका देने से उन्हें मना कर दिया है, वो सिर्फ आपके टर्म वन और टर्म टू के बेसिस पर ही आपको नंबर प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे बात आती है क्या होगा अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके नंबर ख़राब आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बाई चांस आपके किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर ख़राब आते हैं या किसी पेपर में आपके पूरे आपने छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक मौका है, आप लोग उस एग्जामिनेशन उस पेपर को री एग्जामिनेशन के तौर पर दे सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक बाई लेटर एप्लीकेशन लिखना होगा, जिसके बाद आप उस एग्जामिनेशन को दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आप लोग जिस एग्जामिनेशन को अब देने जाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन आपके बाकी हों, उनमें दोस्तों आपको कॉपी को पूरा फिलअप करके आना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग का प्रोविज़न चल रहा है, जिसके चलते आपको जब आप कॉपी भरी रहेगी तो आपको किसी न किसी बेसिस पे नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग कॉपी को सादा छोड़ के आएंगे तो आखिर किस बेसिस पे नंबर प्रोवाइड होगा? तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते दोस्तों इन सब बातों को गौर किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, जितने भी बोर्ड एग्जामिनर हैं 2022 के क्लास टेंथ के और क्लास ट्वेल्थ के, दोस्तों रिजल्ट को जुलाई के फर्स्ट वीक में लाने की बात चल रही है CBSE से CISE से, और बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई सारी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, न्यू टेक्निक्स ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों जो 2022-2023 के जो नए सीज़न आने वाले हैं ये हर बार की तरह नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के क्लास 10 के और क्लास 12 के काफ़ी डिफरेंट लेवल के दोस्तों यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को लेकर CBSE से क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूरे 90% चांसेस हैं कि आपको बेस्ट ऑफ ईदर टर्म लिए जा सकते हैं, पूरे चांसेस इसी बेसिस पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे सेमेस्टर वन टर्म वन के वेटेज के बारे में भी कई सारी बातें आ रही हैं कि वेटेज को लेकर भी दोस्तों कई सारे बड़े खुलासे बहुत जल्द अपडेट हो सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होती है CBSE से या CISE से हम लोग आपको तुरंत ही नोटिफाई करते रहें। यहाँ पर जितने भी बोर्ड कैंडिडेट हैं मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती हो
तो आप लोग हमारे टीचर्स से डायरेक्ट बात कर सकते हैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। आपको सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जहाँ पे आप पे करके क्लिक करके दोस्तों ज्वाइन करके हमारे टीचर्स का कॉन्टेक्ट नंबर पा सकते हैं और 24/7 आप किसी भी टाइम उनको कॉल करके उनके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के जरिए, और कई सारी ऐसी सुविधा फैसिलिटीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों दोस्तों मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि यहाँ पे आप घर बैठे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे और कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूँ, जिन कैंडिडेट का बोर्ड एग्जामिनेशन छूट गया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि CBSE की तरफ से ये बातें सामने बोल दी गई हैं कि आप एक टर्म को स्किप कर सकते हैं अगर आपका एक टर्म में अच्छे नंबर आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको टर्म वन ख़राब गया है तो आप टर्म वन के बारे में टेंशन लेना छोड़ दीजिए, और अगर आपको टर्म टू ख़राब जा रहा है, टर्म वन अच्छा गया, तो आप टर्म टू को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टर्म वन टर्म टू प्लस इंटरनल असेसमेंट के जरिए आपके नंबर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको किसी प्रकार कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे और काफ़ी कम चांसेस हैं कि बच्चे फेल हो जाएं, यानी कि बहुत रेयरली चांसेस हैं कि कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाए, क्योंकि दोस्तों टर्म वन टर्म टू प्लस इंटरनल असेसमेंट के नंबर को ज्वाइन करके आपके नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके चलते बहुत ही कम चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, और जैसे ही कोई लेटेस्ट काउंसिल की तरफ से कोई हमको नोटिफिकेशन प्राप्त होती है तुरंत दोस्तों हम आपको नोटिस पहुंचा देंगे, आपको वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।